हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में हम अपनी बाइक में जो लीवर देख रहे हैं आप, इनको चेंज करने वाले हैं। उसकी जगह पे जो है हम ये क्रोम वाली फिनिश के लीवर लगाने वाले हैं, क्योंकि जो गाइस जो कंपनी वाले लीवर आते हैं उनका कुछ टाइम के बाद जो है आप देख सकते हैं कलर जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाता है। हालाँकि इस साइड से अभी नहीं उतरा है, लेकिन ब्रेक वाली साइड का हमारा पूरा कलर जो है वो लगभग इसका उतरना स्टार्ट हो गया है। इसीलिए जो है हमने ये आफ्टर मार्केट क्रोम फिनिश में बाय किए हैं। इनका प्राइस रेट जो है हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, लेकिन उसे लगने के बाद जो है ना हमारे लीवर ये काफ़ी अच्छा लुक देने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो हैंडल बार है ये आप देख सकते हैं, साइड वेट जो है वो भी हम हमारे क्रोम फिनिश के अंदर है, और ये भी जब इसके अंदर में लग जाएगा तो एक अलग ही जो है लुक इसका रहने वाला है। देख सकते हैं गाइस, ये काफ़ी सही लगेगा इसमें। तो चलिए हम फटाफट से जो है इनको लगाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले हमें अपना लीवर जो है ये वाला, इसका ये आप जो 10 नंबर का जो ये बोल्ट देख रहे हैं, इसको जो है हमें यहाँ से जो है वो खोल लेना है। ये आसानी से जो है वो खुल जाएगा। और इसे खुलने के बाद जो अपना लीवर है वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है। इसका जो कवर रहने वाला है उसका हल्का सा आपको पीछे कर देना है गाइस। अब ये जो आप इसकी जो ब्रेक वाली वायर देख रहे हैं, इसको हम यहाँ से नीचे की साइड से जो है इसको यहाँ पर से खोल ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जो है ये आसानी से वो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से इसको नीचे से जो है थोड़ा लूज कर लेते हैं, उसके बाद में जो हमारा तार ऊपर से निकल जाएगा। इसको यहाँ से हम पिलास की मदद से जो है वो हम इसको थोड़ा सा जो है यहाँ से ढीला कर देंगे, ताकि ये जो है वो बाहर की ओर निकल जाए। ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा आसानी से। ये देखिए, हमारी जो ब्रेक की जो वायर है वो निकल चुकी है। इसको यहाँ से जो है हम अभी यहाँ से आसानी से जो है हम इसको खींच कर जो है वो ये ऐसे यहाँ से वो ऐसे निकल जाएगी, और हमारा जो लीवर है उसके अंदर की साइड से आसानी से जो इसका लॉक होता है ये यहाँ से निकल जाएगी। तो गाइस, अब हमारा जो दूसरे वाला जो हमारा ब्रेक वाला लीवर है वो कुछ इस टाइप से है। आप देख सकते हैं ये दोनों लीवर जो है, ये हमारा ब्रेक साइड वाला है, तो इसको जो है हम यहाँ पर जो है वो लगा देंगे। आप देख सकते हैं लुक काफ़ी तगड़ा आ रहा है गाइस लगने के बाद। तो चलिए हम फटाफट से इसको फिट कर लेते हैं, उसके बाद में दोनों का लुक आपको चेकआउट कराएंगे। हमने इसको लगा दिया है, हम इसको अच्छी तरह से जो है वो टाइट कर देते हैं, ताकि ये जो है इसके अंदर में फिक्स हो जाए गाइस। और ये देखिए गाइस, ये हमारा जो है वो वर्क कर रहा है, लेकिन अभी नीचे की साइड हम ब्रेक की वायर जोड़ेंगे तो ये कम्प्लीटली है वो चालू हो जाएगा अपना, जो जैसे हमने इसको खोला था वापस ऐसे ही हम इसको जो है वो टाइट कर देंगे अपने ब्रेक के हिसाब से। देखिए, थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा। और ये जो है आप देख सकते हैं गाइस, अपना जो है वो ब्रेक का जो तो ब्रेक लीवर जो है अपना वो वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। और इसका जो एक कवर है, इसको भी हम इसके ऊपर से जो है वो कवर कर देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा लुक आ रहा है दोनों का। ये भी क्रोम में हो गया अपना, और ये वाला भी, तो आप देख सकते हैं लुक वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और उस साइड का अगर हम आपको दिखाएं तो इधर से ब्लैक ब्लैक हो रखा है, लेकिन उधर से जो है हमने इसमें क्रोम की फिनिश डाल दी है। तो जल्दी से हम इधरले वाला भी ये से खोल लेते हैं, उसके बाद में दोनों को जो है एक बार आपको लुक चेकआउट कराएँगे। तो गाइस, जो क्लच वाला लीवर है उसको भी हम जल्दी से खोल लेते हैं, इसको भी जो है हम चेंज कर देंगे फटाफट से। तो गाइस, इस वाले लीवर को भी जो है हम आसानी से जो है वो बाहर की ओर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये भी निकल चुका है, और इसका जो कवर है उसको भी पीछे हटा दिया है हमने, और इसमें भी सेम उसी तरह से तार फंसी हुई है जैसे दूसरी साइड में थी। लेकिन इसका जो है हम आपको एक बार लीवर दिखा देते हैं कि इसकी जो वायर है वो क्लच में जाकर लगी हुई है। जो अपनी क्लच वाली वायर है उसको हम यहाँ से लूज करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं अपना ये साइड पैनल खोलना पड़ेगा, उसके बाद में जो है ये लूज हो जाएगी।
इसको जो है हमें यहाँ से खोलकर इसको आसानी से जो है हम निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ये जो आप नट देख रहे हैं इसको जो है हमें लूज करना पड़ेगा। गाइस ये इसकी जो है हमने वायर को ढीला कर दिया है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी प्ले आ चुकी है इसको, और हम इसका वायर को ढीला कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है आसानी से यहाँ से ऐसे वो बाहर की ओर निकल जाएगी। लेकिन जो है हमें इसको जो है यहाँ से अब हमारा जो वायर है वो लूज हो चुकी है और वो यहाँ से ऐसे आसानी से जो है वो यहाँ से आसानी से जो है ये निकल जाएगी। ये निकल चुकी है। अब अपना जो दूसरे वाला लीवर रहने वाला है क्लच साइड वाला, उसके अंदर में जो है हम इसको ऐसे ही लगा देंगे जैसे हमने उसको अंदर से इसको निकाला था। ये इसके अंदर ऐसे यहाँ पर ये ऐसे वो लग जाएगी और अपना लीवर जो है वो अपना इसके अंदर में जो है वो फिट हो जाएगा। ये भी इस साइड से लग चुका है, आप देख सकते हैं गाइस। इसकी जो है वायर को क्लच वाली को हम फिट कर देते हैं, उसके बाद में जो है हम इनको जो है आपको वर्क कर दिखाएंगे कि ये सही पर काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारा ब्रेक का जो लीवर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है और हमारा जो क्लच वाला है वो भी आप देख सकते हैं अपना प्रॉपरली जो है वो वर्क कर रहा है। लुक की बात हम करें तो लुक काफ़ी सही लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं हमारी जो क्रोम फिनिश है वो एकदम एक नंबर लग रही है गाइस। और अगर हम इसकी प्राइस रेट की जो हमने आपको बताया था कि हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो गाइस ये जो है हमको 250 रुपये का जो है इनका पेयर हमको जो है आफ्टर मार्केट पड़ा है ऑनलाइन। अगर मुझे इसका कहीं लिंक मिलता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इनको बाय कर सकते हैं। और अगर इनकी जो है बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सही है, जो हमारे जो ओरिजिनल वाले हैं उनके मुकाबले ये भी काफ़ी बढ़िया मेटल के अंदर में दिए गए हैं गाइस। बाकी हम आपको जो है इनको चलाकर बता देंगे कि इनकी जो रिजल्ट है वो कैसा रहने वाला है। और सामने से आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से लुक आ रहा है गाड़ी का। तो चलिए गाइस इसी साथ वीडियो करते हैं एंड। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।